नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर जशोदा की रसोई। और आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना की खिचड़ी, जिसकी सामग्री या कुछ इस प्रकार है। हमने आधा किलो साबूदाना को भिगा के रखा हुआ था। फिर हमने लिया है जीरा, अदरक को हमने चॉप किया हुआ है, करी पत्ता चॉप करके रखा हुआ है, हरी मिर्च चॉप किया हुआ है, आलू को भी हमने क्यूब्स में काट करके रखा हुआ है, धनिया पत्ता है, मूंगफली क्रश करके रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही उसमें हम डालेंगे जीरा, फिर उसमें हम डाल देंगे आलू। आलू को पकने को टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हम आलू को तेल में डाल देंगे ताकि वो गोल्डन ब्राउन फ्राई भी हो जाए और पहले पक भी जाए, इसलिए आलू को सबसे पहले डालते हैं। अब ढक देंगे इसे। अब देख सकते हैं आलू गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक चॉप किया हुआ, हरी मिर्च डालेंगे चॉप किया हुआ और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। कड़ी पत्ता चॉप किया हुआ हमने डाल दिया है। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। अब हम डालेंगे मूंगफली क्रश किए हुए, आप चाहे तो साबुत मूंगफली भी डाल सकते हैं, हमने क्रश किया हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे साबूदाना, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे और थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए। अब इसमें हम डालेंगे आधे नींबू का रस। ऑलमोस्ट तैयार है आपकी साबूदाना की खिचड़ी। ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता हम गार्निश करने के लिए डाल देंगे। और तैयार है हमारा साबूदाना का खिचड़ी। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।